स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं बांग्लादेश वुमन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमन ओडीआई मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ओवल डुनेडिन पे, और यह मैच रात के 3:30 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर लास्ट ईयर 28 फरवरी को न्यूजीलैंड वुमन वर्सेस इंग्लैंड वुमन के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो पिच रहेगी यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो ओवल डुनेडिन की, इस तरह से आपको दिखेगी। अभी हाल ही के अंदर ना यहाँ पे फैब के अंदर मैचेस हुए थे, आप देख भी सकते हो फोटो के ऊपर लिखा हुआ फैब। तो जब यहाँ पे फरवरी के अंदर ना सुपर स्मैश कप के मैच हुए थे, तब की दोस्तों पिच की फोटो लेटेस्ट फोटो है, 1 महीने पहले की फोटो है। तो आप पिच को यहाँ पर देख सकते हो, इसी पिच के ऊपर दोस्तों मैच खेला जाएगा। तो इस पिच की खासियत क्या थी, जो पिच थी दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ओवल की, ये पिच बढ़िया थी, बैटर्स के यहाँ पर रन बन रहे थे। और यहाँ पे ज़्यादातर ना जब भी 50 ओवर के मैच हुए हैं उसके अंदर जो लास्ट 4 मैच हुए थे ना, उसके अंदर 4 मैच जो टीम चेस करी थी ना वो जीती थी। और एक और खासियत थी कि यहाँ पर पहली पारी के अंदर ना विकेट्स बहुत गिरे थे, पिच के अंदर मॉइस्चर रहता था, जिससे क्या होता था पिच के ऊपर जो नमी रहती थी ना वो दोस्तों यहाँ पे बॉलर्स लिए कुछ ना कुछ हरकत पैदा करती थी पहली पारी के अंदर। उसके बाद पिच बढ़िया हो जाती है, यहाँ पे चेस करना ईजी है। तो आप देखोगे जो भी टीम टॉस जीतेगी वो यहाँ पे चेस करना पसंद करेगी। तो आप पिच को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ऐसी पिच यहाँ पर दिखती है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो ओवल डुनेडिन, ठीक। तो आप पिच यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, मजा आएगा इस मैच के अंदर, ऐसी पिच दिखती है ये, बढ़िया पिच है, अच्छे से रोल करी हुई पिच रहेगी। मैंने आपको पहले भी कहा जब भी दोस्तों सोनी को मैच हुआ था तो यहाँ पे मैं आपको क्या कहता हूँ हमेशा, जो है वेन्यू है ना ये दोस्तों मेरे को फॉरेस्ट रिजर्व ज़्यादा लगता है। आप देखो नेचुरल पार्क ज़्यादा लगता है, यहाँ पे दोस्तों कितने सारे पेड़ पौधे हैं। एक और फोटो दिखाता हूँ आपको, समझेगा, देख रहे हो दोस्तों कितने पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। ये ग्राउंड है, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है दोस्तों, आप देख सकते हो। इस वेन्यू पे दोस्तों बहुत मजा आता है जब भी मैच होते हैं, क्योंकि ये खुद के अंदर ना वेन्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत वेन्यू, बहुत प्यारा वेन्यू, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हरियाली है इस स्टेडियम के ऊपर। फिर से चलते हैं स्टैट्स की तरफ, तो आपको ध्यान देना है इस वेन्यू के ऊपर जो वेन्यू है यूनिवर्सिटी ऑफ ओवल ओटागो डुनेडिन, इस वेन्यू के ऊपर दोनों टीम्स ने एक भी मैच नहीं खेला है। तो दोनों टीम्स यहाँ पे पहली बार खेलने वाली है, और यहाँ पर आपको पहले बता दिया जो टीम बैट फर्स्ट करी है वो एक भी मैच नहीं जीती आउट ऑफ लास्ट 4 गेम्स इन 50 ओवर गेम्स। जो टीम चेस करी है 4 के 4 मैच जीती है। औसतन स्कोर 220 से 280 बनता आपको दिखेगा। अब ध्यान देना है लास्ट 4 मैच के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स होते हैं, जो होता है ना दोस्तों पेसर और स्पिनर का रेशियो। तो आप देखो यहाँ पे पेसर्स मतलब तेज गेंदबाज, उनके यहाँ पे 28 विकेट है, पहली पारी के अंदर भाई साहब 21 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर मात्र 7 विकेट है तेज गेंदबाज के। अब देखो राइट आर्म पेसर के 28 विकेट्स हैं, लेफ्ट आर्म पेसर के यहाँ पे एक भी विकेट नहीं है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स ने भी ठीक ठाक गेम को कंट्रोल करा है। लास्ट 4 मैच के अंदर 17 विकेट्स है स्पिनर्स के, 17, पहली पारी के अंदर 13 है, दूसरी पारी के अंदर 4 विकेट्स हैं। अब देखो किस टाइप के स्पिनर्स यहाँ पे विकेट निकालते हैं, ऑफ स्पिनर्स के 9 विकेट है, लेग स्पिनर का 7 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 10 विकेट है वुमेंस गेम के अंदर जो 50 ओवर के मैच हुए हैं। अब एक और चीज़ ध्यान देनी है आपको, आप देखो पहली पारी के अंदर कितने विकेट गिर रहे हैं, 21 पेसर्स के, और स्पिनर्स ने पहली पारी के अंदर 13 विकेट निकाले हैं, 21 और 13 34 होता है भाई साहब, मतलब 34 विकेट तो पहली पारी के अंदर निकाल रहे हैं गेंदबाज। वहीं दूसरी पारी के अंदर तेज गेंदबाज के 7 विकेट है, स्पिनर के 4 विकेट है, तो कुल मिला के 11 विकेट है दूसरी पारी के अंदर। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा अंतर है, पहली पारी के अंदर 34 विकेट जहाँ पे गेंदबाज निकालता है, वहीं दूसरी पारी के अंदर तेज गेंदबाज इस स्वर्णी के ऊपर और स्पिनर कुल मिला के 11 विकेट निकाल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर था बहुत। आप देखो इस स्वर्णी का जो लास्ट मैच हुआ था, लास्ट ईयर 28 फरवरी की बात है, करीबन 1 साल हो चुका है उस बात को, न्यूजीलैंड वुमन वर्सेज इंग्लैंड वुमन के बीच में मैच था। उस मैच में कुल मिला के 13 विकेट गिरे थे, 9 विकेट वहाँ पे पेसर्स के थे और 4 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स के थे। सनी दोस्तों वेदर रहेगा, आपको वेदर फोकस में दिखा देता हूँ। यह दोस्तों ICC वुमेंस है, ODI वर्ल्ड कप, बहुत ही दोस्तों शानदार वर्ल्ड कप है, माहौल दोस्तों सेट हो चुका पूरा 1 महीने के लिए, आपको बहुत मजा आएगा। आप देखो ये मैच है सैटरडे के दिन, कब, रात को 3:30 बजे अपने यहाँ पे भारत के अंदर, वहाँ पे बज रहा रहेगा 11, कब के सुबह के 11, तो वहाँ पे देखो सुबह के 11 बजे, 16 डिग्री है, बारिश नहीं है बिल्कुल, मजा आएगा इस मैच के अंदर, बढ़िया वेदर फोकास्ट है। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे वीडियो की तरफ, तो वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना बस आपसे कहूँगा। स्वागत आप सबका किसके अंदर, यह है वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, 2022 का वुमेंस का। न्यूज़ की बात करते हैं, बांग्लादेश को लीड कर रही है निगर सुल्ताना। वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ी दुख खबर है कि लीज़ा ली यहाँ पे अनअवेलेबल है,
पहले गेम के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर लेट आई थी, इन्होंने वार्म अप मैच भी नहीं खेला था क्योंकि क्वारंटीन के अंदर है और इनके दोस्तों बच्चा हुआ था वाइफ के, ठीक है, दैट्स द रीज़न वाई शी इज़ लेट एट दिस वेन्यू। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे किसी दोनों टीम्स ने आपस के अंदर ना लास्ट पांच मैच में क्या करा है। साउथ अफ्रीका पांचों के पांच जीती थी, 2018 की बात है, दोनों ने लास्ट टाइम 2018 के अंदर फेस करा था, पांचों मैच साउथ अफ्रीका वुमन जीती थी। लाइनअप्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो बांग्लादेश वुमन की बात कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे शर्मिन अख्तर ओपन करती हुई दिखेंगी, शमीमा सुल्ताना के साथ भी विकेट कीपर बैटर है, कीपिंग दोस्तों निगरा सुल्तान करेंगी, ग्लव्स इनके हाथ में होंगे, निगर सुल्तान के, ठीक है, ग्लव्स इनके हाथ में होंगे। राइटी बैटर विकेट कीपर है फरगाना हक, यहाँ पे आएंगी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स टीम की, राइटी बैटर है रुमना अहमद, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर, राइटी बैटर लेग स्पिनर है रितु मोनी, राइटी बैटर राइट आर्म मीडियम है लता मॉडल, यहाँ पे राइटी बैटर राइट आर्म मीडियम है जनरा आलम, एक टाइम पे दोस्तों सबसे प्रमुख गेंदबाज हुआ करती थी इस टीम की, आज के टाइम पे फॉर्म थोड़ा सा ऐसा ही है, राइट आर्म मीडियम है। फिर यहाँ पे सूर्या क्या इनका नाम अजीम करके नाम है, अजमीम राइट आर्म मीडियम है खेलती दिखेंगी, नाइदा अख्तर है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, नाइदा अख्तर बहुत अच्छी स्पिनर है, सलमा कौतून ऑफ स्पिनर है और ये बैटिंग भी कर लेती थोड़ी बहुत। यहाँ पे एक चीज क्या हो सकता है, टीम यहाँ पे फरीस ये दिख रहा है आपको, फरिया इस्लाम ट्रिशा लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर्स को खिला सकते हैं इंस्टेड ऑफ अजमीम। चलेंगे यहाँ पे किसकी तरफ, साउथ अफ्रीका वुमन की तरफ, लॉरा वेलवुड ओपन करेंगी तजमिन बेट्स के साथ क्योंकि लिजा ली अवेलेबल नहीं है, लॉरा गॉडल है, सुनील लूज है, कैप्टनसी कर रही है, मेगन डुप्रीज है, मर्जाइन है, कैप है, क्वाली ट्राई रहना है, शिनोला जफ्ता है, या फिर यहाँ पे त्रिशा चेट्टी भी खेल सकते हैं, कीपिंग करती है शबनम अल इस्माइल, एम्बागा खाका मशतबा क्लास आपको खेलते देखेंगे, प्रमुख गेंदबाज सुनील लूज, मर्जाइन है कैप, इस्माइल, एम्बागा खाका, मशतबा क्लास, ठीक है। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे किसकी तरफ, प्रैक्टिस मैच स्टार्ट की तरफ, जो लोग चैनल पर नहीं है, जो बोलते हैं भाई आपकी वीडियो कब अपलोड होती है पता नहीं चलता, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको एक घंटी का बटन दिखेगा बेल का, उस पर क्लिक करके अर्ल पे क्लिक कर देना, ठीक है, इतना सा आप कर सकते हो। प्रैक्टिस मैचेस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं। शमीम सुल्ताना ने प्रैक्टिस मैच में 33 करा, 18 करा, ब्रैकेट के अंदर बॉल लिखी है 17 बॉल के अंदर, बहुत अच्छी लिखी दी है शमीमा सुल्तान। शर्मिन अख्तर पहले मैच में 81 करा, 137 गेंद के अंदर रन आउट हो गई, दूसरे मैच में 10 करा 18 बॉलों में। निगर सुल्तान पहले मैच में 12 करा 27 गेंद में, दूसरे मैच में 15 करा 28 गेंदों के अंदर। फरगाना हक पहले मैच में डक पे आउट हुई, दूसरे मैच में 71 करा 95 बॉल्स के अंदर। रुमना अहमद 12 रन एक विकेट निकाला, 6 ओवर के अंदर 46 रन दिया, दूसरे मैच में 30 रन स्कोरा 36 गेंद के अंदर, 3 ओवर में 20 रन दिया विकेटलेस। रितु मोनी ये दोस्तों वार्म अप मैच में बहुत अच्छी दिखी थी, एक तो पेसर है, 2 विकेट निकाला 68 रन देके 10 ओवर में, दूसरे मैच के अंदर 3 विकेट निकाला 35 रन देके 9 ओवर के अंदर, जिससे क्लास प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकती है। लारा लता मोंडल एक विकेट है 0 विकेट है 4 ओवर के अंदर 19 रन दिया। जनरा आलम 4 ओवर में 18 रन दिया विकेटलेस। फहिमा कातून 7 ओवर में 41 रन दिया विकेटलेस। नायद अख्तर पहले मैच में 3 विकेट था 50 लगभग रन दिए थे 10 ओवर के अंदर, फिर दूसरे मैच में 5 ओवर डाला 28 रन दिया एक विकेट निकाला। शर्मा कोतून ने एक ही प्रैक्टिस मैच खेला उसके अंदर 7 ओवर में 32 रन दिया और 1 रन विद द बैट स्कोर करा, ठीक है। यहाँ पे सूर्या अजीम करके एक प्लेयर है, इसने पहले वार्म अप मैच के अंदर 7 ओवर के अंदर 53 रन दिया, कुटाई तो इनकी हुई थी वहाँ पर और 2 विकेट निकाला, दूसरे मैच के अंदर 6 ओवर के अंदर 23 रन देकर 0 विकेट्स निकाला था। मैं क्यों कह रहा था, यहाँ पे फरिया इस्लाम ट्रिसा को खिलाया जा सकता है, तो लेफ्ट आर्म पेसर है, एक एडवांटेज है, 8 ओवर बॉलिंग करी थी 40 रन दिया 3 विकेट निकाला, दैट्स द रीजन व्हाई शी कैन प्ले साउथ अफ्रीका वुमन। तो ध्यान देना है, लॉरा बॉलवर्ड का 83 था पहले वार्म अप मैच में, फिर 0 था, अलीजा ली क्वारंटीन के अंदर थी प्रैक्टिस मैच नहीं खेला, फिर यहाँ पे टेस्मिन बेट्स ने 0 करा 13 करा, सुनील लूज ने 86 करा 98 बॉल में, 5 ओवर के अंदर 34 रन दिया एक विकेट निकाला फिर 0 करा। मैगन डुप्रीज का 8 रन था 10 रन था। मर्जाइना कैप ने पहले वार्म अप मैच में 31 करा, दूसरे में 52 करा, बॉलिंग से अच्छी गेंदबाजी थी, 7 ओवर में 40 रन दिया विकेटलेस, दूसरे वार्म अप मैच के अंदर 4 ओवर के अंदर 6 रन दिया विकेटलेस। क्लॉय टायरोन ने पहले मैच में 8 ओवर गेंदबाजी करी 34 रन दिया एक विकेट निकाला, सी इज अ वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, साउथ अफ्रीका वुमन की वाइस कैप्टन है क्लॉय टायरोन, दूसरे मैच में 27 करा गेंदबाजी नहीं करी थी। शिनोला जफ्ता 0-0 दोनों मैच के अंदर, पर दोनों में इसकी गलती नहीं थी, 0 में तो नॉट आउट रही पहले मैच में, दूसरे के अंदर 0 पे रन आउट हो गई थी। शबनम अल इस्माइल ये दोस्तों थोड़ा सा फॉर्म कंसर्न है, पहले मैच के अंदर 7 ओवर के अंदर 29 रन दिया एक विकेट निकाला, दूसरे मैच के अंदर 3 ओवर के अंदर 25 रन दिया विकेटलेस। एम्बागा खाका इन फॉर्म, सबसे बेहतरीन गेंदबाज इस टीम की कौन है, एम्बागा खाका 7 ओवर 23 रन दिया 3 विकेट निकाला वार्म अप मैच के अंदर, फिर 4 ओवर के अंदर 8 रन दिया 2 विकेट निकाला। मशतबा क्लास भी अच्छे फॉर्म में, 7 ओवर 38 रन 1 विकेट है, ठीक है। मलाबा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, इनके स्टैट्स उन्हें दिए आपको। चलेंगे दोस्तों आप किसकी तरफ, हेड टू हेड स्टैट्स, बहुत इंपॉर्टेंट हेड टू हेड स्टैट्स आपको ध्यान देना है।
जब यहाँ पे शमीमा सुल्ताना खेलती है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वुमन इन ओडीआई 50 ओवर गेम, तो क्या करा है 17 करा है चेस करते हुए 51 करा है बैट फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स दोस्तों, कड़ी मेहनत लगती है आपको दोस्तों, कसम से कह रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे हूँ तो आपकी वजह से हूँ, तो आपसे झूठ नहीं कहूँगा। इस स्टैट्स से दोस्तों मैं बताऊँ कब से तैयारी करके रखी थी, आज की तारीख देखो आप क्या, आज 3 तारीख है, मैच है 5 तारीख को, 2 दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ। इवन दोस्तों मेरे ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स रेडी हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वुमन का जो मैच है ये भी 5 तारीख को ही आप पूरे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, पूरी मेहनत तो अपन करते हैं यार पूरी, लेकिन दोस्तों वही है ना कि आप बस ये देखते हो कि भाई टीम दे रहे हो कि नहीं, हमारा काम बजाना चाहिए, ऐसा नहीं होता यार, आपको स्टैट्स को फोकस करना है। शर्मिन अख्तर 9 मैच खेला है, 125 रन है। ये मैच की मैंने तैयारी कब कर ली थी, मैंने इस मैच की तैयारी 28 फरवरी को कर ली थी स्टैट्स निकालना, और जाके 3 तारीख तक के स्टैट्स निकले हैं। शर्मिन अख्तर का यहाँ पे 14 की औसत है, 9 मैचेस में 125 रन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वुमन, बैट फर्स्ट 14-0, 17-4-0, चेस के ऊपर 0-2, 74-14 है। ओडीआई के अंदर इसने अभी तक 25 मैच खेले हैं और 15 की औसत है, 368 रन है। आएंगे निगरा सुल्तान, 11 मैच 21 की औसत है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 188 रन है, बैट फर्स्ट 21-10, 8-17, 33, नाबाद 12, चेस के ऊपर 59 नॉट आउट, 14-7-6-1 है। फरगाना हक 16 मैच 23 की औसत है, 343 रन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वुमन, बैट फर्स्ट 15 की औसत है, 9 मैच में 135 रन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वुमन्स, बैट सेकंड के अंदर 7 मैच में 208 रन है, कड़क स्टार्ट्स है, 35 की औसत है। ओवरऑल ओडीआई करियर देखते हैं ना इसका, तो पता चलता है बैट फर्स्ट में 14 की औसत है ओवरऑल ओडीआई करियर के अंदर, बैट सेकंड 33 की औसत, जो ऊपर मैंने आपको बताया ना एवरेज, ये तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है इसका, और ये वाला है ओडीआई करियर में 33 चेस के ऊपर बैट फर्स्ट 14 की औसत है। रुमना अहमद का यहाँ पे 17 मैच के अंदर 349 रन है, 22 की औसत है, 12 विकेट्स है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वुमन, बॉल फर्स्ट के अंदर 7 मैच में 8 विकेट है, बॉल सेकंड 10 मैचों में 4 विकेट है, 7 मैच के अंदर विकेट लग गई हैं। रितु मोनी 6 मैच में 34 रन है और बॉलिंग से एक भी विकेट नहीं है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बैट फर्स्ट 1-8-11, चेस के ऊपर 12-1-1। लता मॉडल 9 मैच के अंदर 136 रन, 15 की औसत 1 विकेट है। जनरल 16 विकेट से 17 मैच के अंदर, बॉल फर्स्ट 7 मैच में 8 विकेट है, बॉल सेकंड 10 मैचों में 8 विकेट है, 6 मैच के अंदर विकेट लग गई है। नईद अख्तर 9 मैच 7 विकेट है, बॉल फर्स्ट 5 मैच में 6, बॉल सेकंड 4 मैच में 1 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लग गई है। ओवरऑल इनका अपन देखते हैं ओडीआई करियर, तो ये पता चलता है बॉल फर्स्ट के अंदर 13 मैच में 22 विकेट है और बॉल सेकंड के अंदर 6 मैच में 4 विकेट है, ये भी बहुत शॉकिंग स्टैट्स है। शी इज वेरी गुड बॉलर नईद अख्तर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। शर्मा कौतुन का 15 मैच में 12 विकेट है, ये भी बहुत अच्छी पिक हो सकती है, 158 रन है, शी इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर। बॉल फर्स्ट 7 मैच में 4 विकेट है, बॉल सेकंड 8 मैचों में 8 विकेट है, 5 मैच के अंदर विकेट लग गई है। शुरिया अजमीन 1 विकेट, बॉल सेकंड 0 विकेट, बॉल सेकंड है। मुर्शिदा कौतुन के स्टैट्स हैं, ये शायद ओपन करती है दोस्तों, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि सुल्ताना ज़्यादा अच्छे फॉर्म में थी, शमीम सुल्ताना है ना वो ज़्यादा मुझे बेटर फॉर्म में लगी, तो मेरे को लग रहा है इनको बेंच पे बिठाना चाहिए कौतुन को। इनके भी स्टैट्स हैं, फहिमा कौतुम के स्टैट्स है, 5 मैच में 3 विकेट है। फहिमा ट्रिशा का ओडीआई के अंदर 1 मैच में 2 विकेट था जिम्बाब्वे के खिलाफ, मुझे अभी भी याद है वो मैच। स्टार्टिंग ओवर जे इस्लाम, एस अजमीम आ सकती हैं यहाँ पर, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे दिख सकती हैं कौन, जो अपनी ट्रिशा वो भी आ सकती हैं। डेथर के अंदर जे इस्लाम है, जो जनहरा इस्लाम जो मेन बॉलर है, रुमना अहमद है, नईद अख्तर है, ऋतु मोनी भी आ जाती है नई गेंद लेके, देखते हैं क्या होता है इस मैच के अंदर। लाइनअप से बहुत डिपेंड करेगा। साउथ अफ्रीका वुमेंस की बात कर लेते हैं, जब दोस्तों यहाँ पे लॉरा वॉलवर्ड खेलती है अगेंस्ट जो सामने टीम है बांग्लादेश, तो क्या कर रहा है 5 मैच 65 की औसत अगेंस्ट बांग्लादेश, 195 रन है, बैट फर्स्ट 26-32, इसके ऊपर 30-37 है, नाबाद 70 नाबाद। ओवरऑल ओडीआई करियर, बैट फर्स्ट 39 की औसत है, बैट सेकंड 50 की औसत है। तजवन बिट्स बैट इन्होंने इस टीम के खिलाफ तो खिला नहीं है बांग्लादेश के खिलाफ, अभी तक इन्होंने ओडीआई के अंदर 7 मैच खेला, 177 रन है, बहुत अच्छी प्लेयर है दोस्तों, सॉलिड टेक्निकल बैटर है। लारा गोडल वन डाउन खेल सकती हैं, इनका अगेंस्ट जो टीम है बांग्लादेश 2 मैच में सिर्फ 3 रन है, ओडीआई के अंदर 33 मैच के अंदर 440 रन है, 18 की औसत है। सोनोलूस 12 मैच 13 विकेट्स है, फॉर्म इनका बहुत अच्छा है, स्टैंप है सोनोलूस का, चीज़ आपको ध्यान देनी है, फॉर्म बहुत मैटर करता है, 40 रन विद द बैट है। ओवरऑल ओडीआई करियर, बैट फर्स्ट 25 की औसत है, बैट सेकंड 20 की औसत है। अब गेंदबाजी से कैसे कह रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ बॉल फर्स्ट 6 मैच में 5 विकेट है, बॉल सेकंड 6 मैचों में 8 विकेट है, बॉल सेकंड है, 5 मैच के अंदर विकेट लग गई है। ओवरऑल ओडीआई करियर देख लो आप, बॉल फर्स्ट के अंदर बहुत अच्छे नंबर्स है, तो दोनों बारे में इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है प्लेयर। मेगन डुप्री 16 मैच के अंदर 348 रन है, 35 की औसत है, बैट फर्स्ट के अंदर स्टार्ट जीरो, 7 मैच खेला है बैट फर्स्ट में और बैट सेकंड में 2 मैच ज़्यादा खेले 9 मैच, पर रन का डिफरेंस देखो, बैट फर्स्ट के अंदर 297 रन है, बैट सेकंड के अंदर भाई साहब मात्र 51 रन बैट सेकंड के अंदर, तो बैट फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मर्जाना कैप का 15 मैच में 18 विकेट्स अगेंस्ट बांग्लादेश वुमन, 208 रन है,
बॉल फर्स्ट 12 विकेट 9 मैचों में, बॉल सेकंड 6 मैच में 6 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लस गई हैं। क्लॉय टायरन 11 मैच 226 रन 32 की औसत है, 5 विकेट्स है। बैट फर्स्ट 4-10-47-65-60, बैट फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बैट सेकंड 4-13-14। अब देखो ओवरऑल ओडीआई करियर, बैट फर्स्ट 29, बैट सेकंड 15 की औसत है। स्टैट्स भी वही कहते हैं कि बैट फर्स्ट के अंदर इसका ना आउट ऑफ 5 गेम्स 3 बार 40 प्लस स्कोर्स हैं। शिनोला जफ्ता 3 मैच के अंदर 12 रन है, अटैकिंग प्लेयर है। शबनम इस्माइल की बात कर लेते हैं, 11 मैच के अंदर 16 विकेट्स हैं, बॉल फर्स्ट 7 मैच में 12, बॉल सेकंड 4 मैच में 4 विकेट है, 4 मैच के अंदर विकेटलेस भी हैं। शबनम इस्माइल फॉर्म कंसर्न है, शी इज वर्ल्ड क्लास बॉलर, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट बॉलर, कौन आपको ध्यान देना है वुमेन्स के अंदर शबनम इस्माइल। दूसरे नंबर पर आती है डर्सी ब्राउन, फिर आती है दूसरे टेनेला वेलमिक, 3-4 ऐसे बॉलर्स हैं। एम्बोगा खाका 10 मैच 13 विकेट्स हैं, हेड टू हेड के अंदर बॉल फर्स्ट 4 मैच में 7, बॉल सेकंड 6 मैचों में 6 विकेट, 3 मैच के अंदर विकेटलेस गई है। मस्टबा क्लास, बॉल फर्स्ट 3 मैचेस में 3 विकेट है, बॉल सेकंड 1 मैच में 0 विकेट, तो हेड टू हेड स्टैट्स क्या हो गए, 4 मैचों में 3 विकेट्स हैं। लेजर ली खेलती थी और मजा डाला, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की टॉप पिक थी, 14 मैच में 712 रन थे, 55 की औसत थी। चलते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग और स्माइल है, मर्जा ने कैप है, एम्बोगा खाका है, डर में शबनम इस्माइल, एम्बोगा खाका, मर्जा ने कैप, मस्तबा क्लास। चलेंगे दोस्तों यहाँ पे किसी तरफ फाइनल स्टार्ट की तरफ, दोस्तों यानी पे बांग्लादेश ने आज तक अभी न्यूजीलैंड के अंदर खेला ही नहीं है, न्यूजीलैंड के अंदर बांग्लादेश ने खेला ही नहीं है। चलते हैं फिर से यहाँ पे साउथ अफ्रीका की तरफ, जो टीम है साउथ अफ्रीका, गला दोस्तों बैठा हो तो कुछ शब्द ऐसे निकल जाने आपको उसमें भी नहीं लेना है, और जुकाम भी लगी बड़ी यार थोड़ी सी। तो देखो यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर जो साउथ अफ्रीका वुमेन की टीम है ना, ये जब न्यूजीलैंड के अंदर खेलती है, कहाँ पे, न्यूजीलैंड के अंदर जहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है, तो कैसा कौन परफॉर्मेंस देता है। लॉरा वर्ल्ड का 3 मैच में 117 रन है, 58 की औसत है। सोनोलुस का 3 मैच में 67 रन 6 विकेट्स है। मैग्नोन डुप्रिस का 3 मैच में 78 रन है। मर्जायना कैप का 3 मैच में 5 विकेट 16 रन है। क्लॉय टायरन का 3 मैच में 1 विकेट है। शबनम इस्माइल का 3 मैच में 3 विकेट है। एम्बोगा खाका का 3 मैच में 5 विकेट है। मस्तबा क्लास 3 मैच में 4 विकेट है। लीजा ली भाई अलग स्टैट्स थे, खेलेगी नहीं, लेकिन मैचअप्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मैचअप्स। तब देखो यहाँ पे शबनम इस्माइल ने ना शमीमा सुल्तान को 2 बार आउट करा, 37 गेंद 16 रन 2 बार आउट करा। दोस्तों आपको वुमन के अंदर ना कोई मैचअप नहीं देगा, ये मैचअप निकालने में ना नाना नानी याद आ जाते हैं, बहुत टाइम लगता है ये मैचअप निकालने में, मेरे को करीबन 3-4 घंटे लगते हैं ये पूरा एक मैचअप निकालने के अंदर, हेड टू हेड स्टैट निकालने में 4-5 घंटे, तो आप समझ सकते हो दोस्तों कितना टाइम लगता है स्टैट्स निकालने में। ये वीडियो जो मैं आपके सामने दोस्तों ला रहा हूँ ना, ये 20-25 मिनट की, ये आपको लगता है कि यार बस बना दिया, ये स्टैट्स निकालने में 2 दिन लग जाते हैं। शर्मिन अख्तर मर्जा ने कैप के सामने देखो 15 गेंद 2 रन 1 बार आउट किया, सुनील उसके सामने 0 बॉल, मतलब 1 बॉल 0 रन 1 बार आउट किए हैं। निगर सुल्ताना का यहाँ पे सबना लसुन के सामने 10 गेंद 6 रन 1 बार आउट किए हैं। एम्बोगा खाका के सामने 42 गेंद 24 रन 1 बार आउट किए हैं। तो निगर सुल्तान इज अ गुड प्लेयर, शी इज अ गुड प्लेयर, बस दिक्कत क्या फॉर्म कंसर्न है। फरगानक का फॉर्म भी अच्छा है और अच्छी टेक्निक भी है। इस्माइल के सामने दिक्कत है, 30 गेंद 12 रन 3 बार आउट करा है इस्माइल ने, और खाका ने इनको 57 के देकर 29 रन देकर 2 बार आउट करा है। मर्जाना कैप इनको रोकती है, 31 गेंद में मात्र 9 रन दिए 1 बार आउट करा है। रुमना अहमद वर्सेज सबनम इस्माइल 31 गेंद 15 रन 2 बार आउट करा है, अच्छा मैच है इनका। मुर्शिदा कौतुन अगर ये ओपन करती है तो उनका शक्ल मर्जा ने कैप के सामने है, 20 गेंद में मात्र 2 रन है। काका के सामने शक्ल है, इस्माइल के सामने शक्ल है, तो कौतुन बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो सकती है। मुर्शिदा कौतुन अगेंस्ट दिस बॉलर्स। लॉरा वॉलवुड का स्ट्रगल है नाहिद अख्तर के सामने, 61 गेंद 34 रन 2 बार आउट करा। रुमना अहमद ने 55 गेंद में 37 रन देकर 1 बार आउट करा है। लीजा ली अवेलेबल नहीं है, स्टैट्स मैंने आपको दे भी दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तजवीन बिट्स का यहाँ पे स्ट्रगल है, रुमना अहमद के सामने 6 गेंद 7 रन 1 बार आउट हुई है। फलमा कौतुन के सामने भी आउट हुई है। सोनोलुस का स्ट्रगल यहाँ पे रुमना अहमद के सामने है, 11 गेंद 10 रन 1 बार आउट हुई है। और कौतुन के सामने जो सलमा कौतुन है ना, 14 गेंद 14 रन 1 बार आउट हुई है। मैग्नोन डुप्रिस का देख लो, सबके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कॉमन कैप्टन सोनोलुस, मर्जा ने कैप, वर्ल्ड लीग्स में बनाओ दोस्तों यहाँ पे मर्जा ने कैप, सोनोलुस को, रुमना अहमद को, लॉरा वॉलवर्ट को लग जाना है। एम्बोगा खाका एंड अख्तर फरगाना हक को आप ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे दोस्तों टीम्स की, तो यहाँ पर कैप्टन नंबर जैन है कैप, वाइस कैप्टन सोनू लूज है, यहाँ पर रुमना अहमद शर्मा कौतून है, यहाँ पर आपको दोस्तों दिखेंगी लॉरा वॉलवर्ट, फरगाना, ऋषभ बिट्स, निगरा सुल्तान, एम्बोगा खाका, इस्माइल एन अख्तर। एक चीज दोस्तों बताऊँ क्या कर सकते हो आप, एक चीज ये कर सकते हो आप यहाँ पे ले सकते हो, बताऊँ किसको, टी ब्रिट्स के बदले आप लेके जा सकते हो, जो आपको दिख रही है यहाँ पर एस अख्तर करके, बहुत अच्छी प्लेयर है दोस्तों भी, शर्मिन अख्तर करके, इनकी टेक्निक भी बहुत अच्छी है, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से बैटर सेशन के अंदर ये दो ही प्लेयर्स हैं, एक तो ये हैं अख्तर, एक है ब्रिट्स। गॉडल का दोस्तों फॉर्म थोड़ा कंसर्न है, वरना आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये दो प्लेयर्स से ज़्यादा अच्छी विकल्प हैं। कौन कौन, एक तो एस अख्तर और टी ब्रिट्स, ए स्ट्रेंथ तो बेंच के ऊपर है, मतलब बेंच है मतलब रिजर्व प्लेयर के अंदर है वो। अब देखो बड़ी लीग्स में करना है, रिस्क लेने से नहीं डरना। निगरा सुल्तान इज अ टॉप क्लास प्लेयर, वरना आप यहाँ पे ये शमीम सुल्ताना दिख रही है ना, मैं आपको सीरियस वर्ड्स में कहूँगा
कि वार्म अप मैच में ज़्यादा अच्छे टच में दिखी थी सुल्ताना, रन ने बॉल करा था शमीमा सुल्ताना, ये बहुत अच्छी प्लेयर लगी मुझे और ये भी अच्छी प्लेयर है, ये तो कैप्टनसी करनी है, बस दिक्कत क्या फॉर्म कंसर्न इनका, वरना ये भी दोस्तों अच्छी प्लेयर है, ग्रैंड लीग अगर आपको उनको ट्राई करना है। चलेंगे, लॉरा वॉलवर्ड इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट अवेलेबल नहीं है पहले मैच के लिए, यहाँ पे फराना हक बहुत इंपॉर्टेंट है, शी इज़ अ गुड प्लेयर, ऐसा अख्तर आपके डिपेंड करेगा, मगर डुप्रीज बैट फर्स्ट में ट्राई कर लेना, बहुत अच्छी प्लेयर है ये भी। चलेंगे मर्जाने कैप इंपॉर्टेंट है, सुनो इज इंपॉर्टेंट, फिर यहाँ पे रुमना मत मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, सलमा कौतम 50-50 प्लेयर है, फॉर्म थोड़ा कंसर्न है, क्लॉड ट्रेन आप ट्राई कर सकते हो, फिर आप ट्राई कर सकते हैं ये है ना अपनी इस्लाम ट्रिशा करके एक प्लेयर थी, वही है ये लेफ्ट आर्म पेसर, खाका इंपॉर्टेंट, स्माइल इंपॉर्टेंट है, ऋतुमुनि को आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर, इनके स्टैट्स बहुत अच्छे थे, या आप यहाँ पे एस कातून के बल्ले तो रुमना अहमद के बल्ले भी आप पिक कर सकते हो उसको, ऋतुमुनि को राइटर मीडियम पेस बॉलर, शी कैन बैट, नायदा अख्तर एक अच्छी प्लेयर है, आलम आपके ऊपर डिपेंड करेगा, फॉर्म कंसर्न है, मस्ताफा क्लास ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर सकते हो, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आगे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा, देखते रहिए स्टार्ट्स रूजी, जय हिंद।